गुड़गांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नगर के युवा नेता प्रीतिराज प्रजापति के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर पार्टी से धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माधव सिंधिया फुबारा चौक पर पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुटेगांव के युवा नेता प्रतिराज प्रजापति ने इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और उन्हें कांग्रेस से धोखाधड़ी करने वाला करार दिया। और उसकी पार्टी के साथ जो गद्दारी कर दे वो गद्दारी कहलाता है। सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान और देश में जो उनको नाम मिला उसके तारतम्य में श्री सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन करके सभी कार्यकर्ताओं को दिल को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी और जनता भारत मध्य प्रदेश की जनता उनको कभी भी माफ नहीं करेगी।